How are you? I hope you are doing great. Open your English book. Today we are going to read chapter 12, The Chilkan. Okay? So let's start. The Chilkan Lake on the eastern coast of Odisha is a beautiful picnic spot. Chilkan Lake in Odisha ke Purvi Ghat par ek sundar picnic spot hai. Every year many birds come from the very cold waters of Siberia. Har saal Siberia ke ठंडी लहरों से बर्ड्स यहाँ आती हैं टू दिस वार्म एंड सनी लेक इस गर्म जगह पर देयर आर मेनी वैरायटीज ऑफ फिश इन द लेक यहाँ लेक में झील में बहुत वैरायटी की फिशेज हैं थाउजेंड्स ऑफ फिशरमैन लिव ऑन द बैंक ऑफ द चिल्का और चिल्का लेक के किनारे बहुत सारे फिशरमैन भी मछुआरे रहते हैं वेरियस वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन द हिल्स सराउंडिंग बाय द लेक और लेक के चारों ओर जो हिल्स हैं उनमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं द रीजन अराउंड चिल्का इज रिच इन वाइल्ड लाइफ ऑफ ऑल काइंड और चिल्का के जो चारों तरफ लैंड है लाइक माउंटेन्स हैं वहाँ पर वाइल्ड लाइफ है ऑल काइंड मीन्स कई प्रकार के सभी प्रकार के कैन यू मैच द पिक्चर्स विद द नेम्स ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द नेम ऑफ द पिक्चर यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है जिसमें कुछ बर्ड है लेक के अंदर और नीचे उनके नेम दिए हुए ओके यू हैव टू मैच देम द चिल्का लेक लाइज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा चिल्का लेक उड़ीसा के पूर्वी घाट पर है द हिल्स ऑफ द ईस्टर्न घाट सराउंड इट और ईस्टर्न घाट की जो पहाड़ियाँ हैं उससे घिरा हुआ है द सन शाइन्स डाउन ऑन द वाइट सैंड एंड द ब्लू वाटर्स सूरज की धूप यहाँ की सफ़ेद रेत के ऊपर चमकती है इट इज़ अ वंडरलैंड फॉर टूरिस्ट और ये टूरिस्ट के लिए वंडरलैंड है बट चिल्का इज ऑल्सो अ पैराडाइज फॉर बर्ड लेकिन चिड़ियों के लिए भी ये स्वर्ग की तरह है एवरी ईयर द बर्ड्स कम फ्रॉम फार अवे कंट्रीज लाइक साइबेरिया हर साल साइबेरिया जैसे कंट्रीज से यहाँ पर बर्ड्स आती हैं दे कम टू दिस वार्म एंड सनी लैंड टू एस्केप फ्रॉम द वेरी कोल्ड विंटर ऑफ देयर होम इन सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया की बहुत ठंडी जो जगह है वहाँ से बचने के लिए ठंड से बचने के लिए ये चिल्का के सनी लैंड में आती है दे फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ओवर माउंटेन डेजर्ट एंड रिवर्स और ये कहाँ से फ्लाई करते हुए आती हैं थाउजेंड्स ऑफ माइल्स मीलों दूर से पहाड़ रेगिस्तान और रिवर्स के ऊपर से फ्लाई करते हुए आती हैं देयर जर्नी एंड्स व्हेन दे रीच द काम वाटर्स ऑफ द लेक और जब ये इनकी यात्रा कहाँ खत्म होती है जब ये लेक पर पहुँच जाती है क्यों क्योंकि लेक का जो एरिया है वो कैसा है सनी एंड वार्म फॉर अ फ्यू वीक एवरी ईयर चिल्का इज होम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बर्ड कुछ हफ्तों के लिए चिल्का बहुत सारे बर्ड्स का घर बन जाता है देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टील्स पेलिकन्स गीस क्रेन्स हेरोज एंड ब्लैकबोस ये सारी बर्ड्स के नेम हैं जो यहाँ पर आती हैं बिग बिग फिशर्स स्वूप डाउन प्लक अ फिश फ्रॉम द वाटर एंड पार फ्रॉम द फ्लैश बड़े बड़े किंग फिशर्स पानी में से मछली को पकड़ के तुरंत उड़ जाते हैं ग्रेट फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स फ्लाई अबाउट बड़े बड़े फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी चिड़ियों के झुंड बर्ड्स के झुंड उड़ते हैं द स्काई इज ब्राइट विथ कलर्स एंड ब्राइट बर्ड कॉल्स फिल द एयर आकाश रंगों से भरा होता है और जो हवा होती है वो चिड़ियों की कॉल सुनकर चिड़ियों की आवाज से भरी होती है द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन एशिया एंड स्ट्रेचेस अक्रॉस मेनी किलोमीटर्स चिल्का एशिया का सबसे बड़ा वेटलैंड मतलब जहाँ पर पानी है सबसे बड़ा नमी वाला एरिया है और ये किलोमीटर्स कई किलोमीटर्स में फैला हुआ है मैनी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स कम हियर एवरी ईयर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और वर्ल्ड के लगभग पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर एक्सपर्ट्स जो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट होते हैं जानवरों के एक्सपर्ट
आप फिशरमैन है उनको जॉब है, मतलब वो मछली पकड़ती है, उनका जॉब है ऑलमोस्ट 1,50,000 फिशरमैन ले मतलब मैन ऑफ चिलिका, चिलिका के किनारे लगभग 1.5 लाख फिशरमैन रहते हैं। 1,100 ऑफ बोट्स ऑन द वाटर एज द फिशरमैन गो आउट टू द फिश। कोई भी यहाँ पर बहुत सारी बोट्स को देख सकता है क्योंकि होती है वो फिशरमैन। ऑन सतपदा आईलैंड इन चिलिका वन कैन फाइंड द रेयर इरावडी डॉल्फिन। और यहाँ का जो सतपदा आईलैंड है वहाँ पर डॉल्फिन होते हैं। दिस डॉल्फिन इज एन इंडेंजर्ड एनिमल, और ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है, मतलब खत्म होने वाली स्पीशीज है, थोड़े से बचे हैं। बट हियर इन चिलिका द डॉल्फिन इज सेफ, लेकिन यहाँ चिलिका में डॉल्फिन सेफ है। लोकल फिशरमैन बिलीव, जो लोकल यहाँ के फिशरमैन है यहाँ के रहने वाले मछुआरे, दे बिलीव दैट द क्रिएचर इज सेक्रेड एंड विल नॉट हार्म इट। और उनका मछुआरों का ये मानना है कि ये क्रिएचर्स डॉल्फिन सेक्रेड होते हैं, मीन्स पवित्र होते हैं और उनको नुकसान नहीं पहुँचाते। चिलिका इज फेमस नॉट ओनली फॉर इट्स बर्ड्स एंड फिश, चिलिका सिर्फ अपने बर्ड और फिशेज के लिए फेमस नहीं है। अमंग द मैनी हिल्स सराउंडिंग द लेक, लेक के चारों तरफ क्या है, बहुत सारे हिल्स हैं, वन कैन फाइंड, और इनमें आपको क्या क्या मिल सकता है, चीतल, ब्लैकबक, मैंगोज, मंकीज एंड पॉक्यूपाइंस।